सरों का। जम्मू कश्मीर के साथ दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1.27 लाख केस, 1,059 लोगों की मौत। आज हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी बोले, हर की पौड़ी में डुबकी लगाने से नहीं धुलेंगे राहुल के पाप। उत्तराखंड में 7 फरवरी से दोबारा खुलेंगे स्कूल कॉलेज, कोरोना की तीसरी लहर में हुए थे बंद। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के उत्तराखंड दौरे तय हो गए हैं, जहां नड्डा 6 फरवरी को उत्तरकाशी आएंगे जबकि गडकरी 7 फरवरी को देहरादून में भाजपा के दृष्टि पत्र को जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 फरवरी को हरिद्वार संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की जनता को वर्चुअली संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 फरवरी को उत्तरकाशी में सभा को संबोधित करने के साथ ही घर घर जनसंपर्क करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 7 फरवरी को देहरादून पहुंचेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के दृष्टि पत्र को करेंगे। चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड में जेपी नड्डा और नितिन गडकरी के कार्यक्रम प्रस्तावित है। 7 फरवरी को दौरे पर नितिन गडकरी रहेंगे तो वही 6 फरवरी को उत्तरकाशी जेपी नड्डा जाएंगे। दोनों के ही कार्यक्रम तय हैं और दोनों ही उत्तराखंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो जेपी नड्डा उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे और चुनावों से पहले भाजपा ने कमर कस ली है और कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, दोनों के लिए ही चुनावी मोड में तैयार है बीजेपी। उत्तराखंड के लिए सारे चुनावी प्रोग्राम तैयार हो चुके हैं। देहरादून में बर्फबारी और भारी बारिश के चलते डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस फोर्स को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उत्तराखंड आ रहे पर्यटकों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। बर्फबारी का लुत्फ लेने भारी संख्या में पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटक किसी भी आपातकाल स्थिति से संभव मदद ले सकते हैं। मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अलर्ट प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जताया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कल और आज भारी बर्फबारी हुई है और जहां एक तरफ पर्यटकों के लिए बहुत ही सुहावना लुभावना मौसम है और नैनीताल और मसूरी से लेकर के और बाकी सभी पर्यटक स्थलों पर ढेर सारे पर्यटक आए हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे लिए थोड़ी चुनौती भी है क्योंकि भारी बर्फ़ के बीच रास्ते बंद हो जाते हैं और जब बर्फ़ पिघलती है तो भी वो थोड़ी खतरनाक होती है। गाड़ियाँ स्किड करने लगती हैं और बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियाँ खाई आदि में गिर जाती हैं। तो मैं आप सब से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि एक तो अपने को सुरक्षित रखें और दूसरा कहीं फंसे हैं, यदि कहीं फंसे हैं तो पैनिक ना करें और हमें सूचना दें। आप कहीं से भी पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी 100 नंबर या 112 नंबर डायल करेंगे तो वहाँ पे आपकी सूचना लॉग हो जाएगी और उसको आपके पास राहत ज़रूर पहुँचाई जाएगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी उत्तराखंड पुलिस और SDRF के जवान लगातार इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, लोगों को बचाने में या सकुशल उनको बाहर जहाँ फंसे वहाँ से निकालने में या जाम आदि खुलवाने में। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में
खबर रुड़की से है, जहां भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने रुड़की विधानसभा के कान्हापुर में जनसंपर्क किया। वहीं इस जनसंपर्क के दौरान लोगों ने प्रदीप बत्रा जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए, और जबकि जनपद के सभी लोगों ने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं इस दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने कहा कि जिस तरह से रुड़की विधानसभा क्षेत्र की जनता का जन समर्थन मिल रहा है, भाजपा की जीत पक्की है। ये नारा हमने दिया और ये नारा वाकई पूरा होगा, पूरी रुड़की का समर्थन हमें मिल रहा है। आज हम खानापुर गांव में आए, देखिए आप किस तरह जनसैलाब और गांव का समूह उठ रहा है, और चाहते हैं कि लोग एक ऐसा आदमी व्यक्ति है जो हमारे बीच का व्यक्ति हो, जिन 10 साल हमारे साथ रहा, हमारे काम करे और दुख सुख में हमारे साथ ही रहो, तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं लोग, और लोग अपने आप आकर उत्साह दिखा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 60,000 पार इस बार का लक्ष्य हमारा सिद्ध होगा। सर समाज का प्यार है, सर समाज का साथ है, और सर समाज का ही हमने काम किया है। मुस्लिम आज हम चुनाव को बांटना नहीं चाहते, हम चुनाव को एक साथ लेकर चल रहे हैं। रुड़की विधानसभा में सर समाज का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रदीप बत्रा के साथ है, और पूरा समर्थन हमें मिलेगा, और एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। पुलिस कार्यालय से आधुनिक उपकरणों से लैस 11 स्कॉर्पियो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान वाहनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि अगर कहीं कोई दुर्घटना या कोई क्राइम हो जाता है तो ये सबसे पहले उस जगह पर पहुंचकर पीड़ित को हर संभव मदद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बदलते हुए परिवेश में पुलिस के आधुनिकीकरण की भी लगातार आवश्यकता महसूस की जाती रही है, तो इसी दृष्टिकोण से आज यहाँ पर हमने 11 जो स्कॉर्पियो व्हीकल्स हैं ये हमने यहाँ से आज फ्लैग ऑफ किए हैं, जिनमें से हमारी 7 पेट्रोल कार हैं, 3 हाईवे हैं और 1 हमारी ट्रैफिक जो कंट्रोल की गाड़ी है वो है। तो टोटल ये 11 गाड़ियाँ आज रवाना हुई हैं। ये जनपद के विभिन्न रूट्स पे लगातार गश्त वगैरह करेंगी, और एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर कभी भी कहीं कोई दुर्घटना होती है या कोई क्राइम होता है तो उसमें सबसे पहले पहुँचने वालों में ये गाड़ियाँ होंगी, और एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अदा करेंगे ताकि जनता को या किसी भी तकलीफ वाले आदमी को त्वरित उसको सहायता मिल सके। मैंने कहा ना इनके 2-3 भूमिकाएं होंगी, एक तो जैसे हाईवे में रहेंगे तो उसको क्राइम कंट्रोल जो अपराध है उसके नियंत्रण, और किसी भी अपराध की घटित होने पर पहले सबसे वहाँ पर पहुँचने वाली हमें होंगी, और दूसरा यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, सड़क में दुर्घटना हो जाती है या किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचने के लिए इन लोगों को। कोरोना की तीसरी लहर के चरम पर पहुंचने के बाद अब संक्रमण दर निरंतर घट रही है। गिरावट के दौर में सबसे कम 1,183 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमितों की मौत पर फिलहाल अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। बीते 24 घंटे में भी 15 संक्रमित कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। राज्य सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटे में 20,979 व्यक्तियों की जांच की गई है, और इसमें से 5.64% की दर से 1,183 नए संक्रमित पाए गए हैं। जनवरी से लेकर अब तक प्रदेश में 163 कोरोना संक्रमित व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं। 17 जनवरी के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब किसी संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। वहीं 21 जनवरी के बाद से संक्रमितों की मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्तराखंड में मौसम मुसीबत बना हुआ है। भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। पहाड़ों में लगातार 2 दिन से हो रहे हिमपात के कारण 3 दर्जन से अधिक सड़क मार्ग बंद है, जबकि 100 से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया है। मैदानी इलाकों में भी शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है, और इस बीच चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार उत्तराखंड में आज से मौसम कुछ राहत दे सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। हल्द्वानी से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सरकार आने पर कई तरह की पेंशन दी जाएगी। उत्तराखंड के 4,75,000 गरीब तबके के लोगों को 40,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। औसत आय निरंतर घटती जा रही थी और राज्य की विकास दर लगभग शून्य की तरफ थी,
और राजस्व वृद्धि दर भी नकारात्मक थी। तो ऐसे समय में हमने संसाधन जुड़ा करके न केवल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए बल्कि राज्य को एक स्वस्थ ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य के स्तर वर्णित किया। हम फिर से संसाधन जुटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, संसाधन जुटाएंगे, एक स्वावलंबी राज्य के रूप में आगे बढ़ेंगे। हमने जिन योजनाओं का जिक्र किया है वो सारी योजनाएं जो है राज्य की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेंगे। औसत आय निरंतर गिरती जा रही थी। वही सुल्तानपुर पट्टी में प्राइम टीवी खबर का असर हुआ है। सुल्तानपुर पट्टी के चौकी प्रभारी दीपक कौशिक ने 80 नशे के इंजेक्शन के साथ एक युवक को पकड़कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने छापा मारते हुए नशे के 80 इंजेक्शन के साथ एक युवक को पकड़ लिया जो बाहर से सामान लाकर यहां पर सप्लाई करता था। इस खबर को हमारी प्राइम टीम ने प्रमुखता से दिखाया था। पिरान कलियर विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का होल्डिंग लगा हुआ दिखा। इस होल्डिंग को देखने के बाद कहा गया कि चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब ऐलान के बाद भी आप प्रत्याशी के होल्डिंग को नहीं उतरवाया गया है। इसी पर तंज कसते हुए विपक्षियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर चुनाव आयोग का नियम लागू नहीं होता है जो इस तरह से पिरान कलियर के चौराहे पर होल्डिंग लगाया गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट उक्त होल्डिंग को उतरवाने में नाकाम साबित हो रहा है। खबर कलियर से है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद को कलियर विधानसभा में सभी सर्व समाज का समर्थन मिलता जा रहा है। कलियर विधानसभा में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचती दिखाई पड़ रही है। कलियर विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद के समर्थन में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस दौरान लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उन्हें वो तीसरी बार कलियर से जिताकर विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। आज तब से मैंने होश संभाली, मैं वार्ड मेंबर से लेकर विधायक तक काफ़ी चुनाव लड़े, मुझे काफ़ी चुनाव में जीत भी हुई, मगर आज जो आज जाबिर भाई, जावेद भाई सभी साथी थे, आज जो प्यार मुझे यहाँ से मिला भैया हजी भैया हसन जी, जो प्यार मुझे यहाँ आज यहाँ से मिला, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ भी करता हूँ कि जिस तरह प्यार आज मुझे मिला। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।